अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका डर गया है। अपने दूतावास को लेकर अमेरिका ने तालिबान से गुहार लगाई है। काबुल पर कब्जे के बाद दूतावास पर हमला न करने की अपील की है। काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी तक अब अफगान राज रह गया है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है, वो भी बता देते हैं। तालिबान के डर से अपना काबुल दूतावास खाली करेगा अमेरिका, ये जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान में फंसी है जो लोग वहां फंसे हुए हैं, अपनी सेना को वहां भेजेगा और कर्मचारियों को वापस बुलाएगा अमेरिका। अपने लोगों को वापस लाने के लिए 3,000 सैनिकों को अमेरिका भेज रहा है अफगानिस्तान। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने यह जानकारी दी है। ब्रिटेन भी अपने नागरिकों को लाने के लिए भेजेगा 600 सैनिकों को। तो ये वो देश हैं जो यहाँ पर सालों तक रहे और उसके बाद अचानक यहाँ से वापस चले गए और अब अपने देश के नागरिकों को वापस बुलाने के लिए फिर अपने सैनिकों को वहाँ भेज रहे हैं और तालिबान से ही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमला ना करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके पास जाएं, उससे पहले सुमित से बात कर लेते हैं। सुमित, अफगानिस्तान से अमेरिका इतनी तेजी से बाहर निकला और अब अपने ही दूतावास के लोगों को वापस बुलाने के लिए उन्हें अपने 3,000 सैनिक भेजने पड़ रहे हैं और तालिबान से गुहार लगा रहे हैं कि उन पर हमला ना करें। देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिका ने, नेटो फोर्सेस ने एक टाइमलाइन बनाई थी, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है सुमेरा कि उन्होंने उससे बहुत पहले बिना बताए अथॉरिटीज को, अफगान अथॉरिटीज को कॉन्फ्रेंस में लिए एग्जिट कर दिया। ये दूसरी बार है कि अमेरिका और यूके की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है अपने नेशंस को निकाले जाने की। मैं जब वहां पहुंचा, क्योंकि लगातार मेरी कई अथॉरिटी के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लोगों ने कि रातों रात 3 घंटे में बगराम जैसे एयरबेसेस, जो महत्वपूर्ण एयरबेसेस थे जहाँ पे अमेरिका सेना मौजूद थी बहुत अच्छे संख्या में, 3 घंटे के अंदर एग्जिट कर दिया गया रातों रात। तो ये अमेरिका लगातार कर रहा है और अब अपने नेशनल्स को निकालने की ये एक आखिरी, आप कह सकते हैं कि लैप्स होगा या फिर एक आखिरी इनका रुख होगा कि जितने नेशनल्स वहां पे अमेरिकी नेशनल्स हैं उनको निकालें, अम्बेसडर्स अम्बेसी के लोगों को निकालें और उसके बाद अमेरिका धीरे धीरे बगराम और दूसरे काबुल के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उनको खाली करके रैंडमली एकदम वहां से निकल जाएगा। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।